हेलो नमस्ते, कैसे हैं आप लोग। मैं डॉक्टर कुशल कुमार फ्रॉम बिहार। मैं अभी ताशकंद सिटी में हूँ और हमारे साथ कुछ बच्चे हैं जो कि इंडिया से अभी दो दिन पहले ही आए हैं। चलिए उनसे कुछ बातें करते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है मोहम्मद साहब। एंड आपका? अंकित शर्मा। एंड आपका? ऋषभ गजवी। आप लोग इंडिया में कहाँ कहाँ से हो? मैं दिल्ली से हूँ। एंड आप? मैं हरियाणा फरीदाबाद। मैं महाराष्ट्र। ओके, यानी तीन स्टेट हमारे सामने बैठे हैं, है ना। ये बताइएगा कि आप लोग टीएम यूनिवर्सिटी आए इंडिया से, जब यूक्रेन में वॉर हुआ था आप वहाँ से इंडिया गए, इंडिया से फिर काफी सारा प्रॉब्लम आया होगा स्टडी को लेकर, काफी सारे थॉट आए होंगे, क्या लगा था उस समय आपको? उस समय मैं जब शुरुआत में हम निकले ना यूक्रेन से, तो मुझे लगा था कि वॉर जल्दी खत्म हो जाएगी, वापस हम यूक्रेन जाएंगे। लेकिन जब वापस आए तकरीबन एक साल बीत गया लेकिन वॉर एंड नहीं हुई। फिर हमारी फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही थी वापस यूक्रेन जाने के लिए। फिर मुझे पता लगा एक उज़्बेकिस्तान का एक ऑप्शन है। किर्गिस्तान भी पता लगा था लेकिन मैंने जो रिसर्च की थी मुझे उज़्बेकिस्तान बेटर लगा था। यहाँ फी भी कम थी, यहाँ प्रैक्टिकल ज्यादा थे एज कम्पेयर टू यूक्रेन, और यहाँ का माहौल भी, यहाँ के लोग भी फेवरेबल थे मेरे लिए। ओके, आप काफ़ी चीज़ें पता चली उज़्बेकिस्तान के बारे में। अपने पास ऑप्शन थे रशिया, किर्गिस्तान एंड उज़्बेकिस्तान, अलग अलग एजेंट थे। तो ड्रीम फ्लाई के साथ मेरे साथ के फ्रेंड थे, उन्होंने वो गए हुए थे, तो वो ऑप्शन मतलब काफ़ी ट्रस्टेड लगा बाकी एजेंट के हिसाब से जिनको हम जानते नहीं थे। ओके, तो उज़्बेकिस्तान इसलिए प्रेफर किया क्योंकि यहाँ पे लोग काफ़ी सेलिब्रिटी की तरह ट्रीट करते हैं इंडियंस को, कोई रेसिज्म नहीं है। जैसे बाहर निकल के गए तो काफी फोटो वगैरह भी चाहते हैं। ओके, यानी आप इन शॉर्ट ये कहना चाहते हैं कि यहाँ के जो लोकल लोग हैं उन्होंने सर काफी अच्छा था, सपोर्टिव लोग। आप लोग तीन दिन से यहाँ पर हो, तीन दिन में आपकी यूनिवर्सिटी का क्या क्या काम हो गया है ये बताइएगा मुझे, क्योंकि आपके हुए ऑलरेडी तीन दिन हो चुके हैं, आपने तीन दिन ताशकंद में रह लिया है, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा यहाँ का रहा? आपको जो रहने का जगह दिया गया वो कैसा है, खाना कैसे, लोग कैसे, बताइए उनके बारे में। जब हम पहली बार सिटी में आए तो जैसे कि मैं बताया था दिल्ली से हूँ, तो मुझे ये यूक्रेन और दिल्ली का कॉम्बिनेशन लग रहा था। अच्छा, मिक्स लग रहा था। मैं चंडीगढ़ गया था, थोड़ा बहुत चंडीगढ़ वाली वाइब भी थी यहाँ पर। सिटी इज रियली वेरी ब्यूटीफुल। हम सिटी सेंटर गए, वहाँ हम घूमे, वो दुबई में एक बिल्डिंग है ना बुर्ज खलीफा, उसके सामने एक वाटर शो होता है, उस टाइप का वाटर शो देखा हमने। और अब जैसे आपने बताया कि हमारे तकरीबन सारे प्रोसेस कम्प्लीटेड है, फिर हम उन लोगों को सिर्फ मंडे से क्लासेस ज्वाइन करनी है, हमें ग्रुप से मिल चुके हैं। यानी कल से क्लास से क्लासेस ज्वाइन करनी है। ओके, और खाने के बारे में क्या बोलना चाहेंगे आप? खाने में क्या सकते हैं कि इंडियन जितना टेस्टी और मसालेदार तो नहीं होगा लेकिन फिर भी बेटर है। इंडियन खाना प्रोवाइड हो रहा है अभी, इंडियन खाना भी बेटर है, और दोनों ऑप्शन है, वेज का भी वेज नॉन वेज ऑप्शन। अच्छा, आप लोग यहाँ तीन दिन रह चुके हो, अब तो बॉयज हो, मैं आपसे एक पर्सनल सवाल कहता हूँ कि अब यहाँ बहुत सारे गर्ल्स भी आई हुई, ठीक है, और नए बच्चे भी आएंगे, तो गर्ल्स की सेफ्टी के लोग क्या कहना चाहोगे, कैसा है यहाँ, सेफ है या नहीं है? काफी सेफ्टी है, बहुत ज्यादा सेफ्टी है यहाँ पे, बहुत मतलब बाहर अगर गए तो एटलीस्ट देयर सिक्योर अबाउट एवरीथिंग, द वे द पीपल ट्रीट अस लाइक इट्स गुड। ओके ओके ओके। अच्छा, ये बताइएगा कि आप जब एक नई कंट्री का सोचे कि मुझे टीए में जाना है या ताशकंद जाना, तो मतलब आपके घर वालों का रिएक्शन क्या था, और अभी आप जब उनको बताते होंगे कि यहाँ सब कुछ कंफर्ट है, तो उनका रिएक्शन अब क्या है? वो एक्चुअली जो मुझे पता लगा था वो मेरे पापा के एक फ्रेंड थे उज़्बेकिस्तान के बारे में, मुझे उन लोगों ने बताया था। okay. तो मेरी फैमिली पहले सेटिस्फाइड थी, मैं भी सेटिस्फाइड था, लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे ज्यादा खुशी है। okay. कि जहाँ पेरेंट्स ने भेजा, जो हम पर इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, वो वसूल होगा, उम्मीद है मुझे। अच्छा, जो बॉपट्रेट से एंड ग्रीन फ्लाई ओवर लोकेशन से आपको वादा किया गया था, तो क्या वो वादा पूरा हो रहा है? एक्चुअली उससे ज्यादा ही हो रहा है, ज्यादा ही हो रहा है, उससे ज्यादा हो रहा है, उम्मीद हमें इतनी अच्छी तो नहीं थी। हां, बिल्कुल, उससे ज्यादा, उम्मीद से बेहतर मिला। ओके, यानी आप बिल्कुल कंफर्ट हो। अच्छा, जो नए बच्चे आना चाहते हैं उनको क्या कहना चाहोगे, किसके थ्रू आए, कैसे आए, कैसे नहीं आए? हम एक्चुअली ड्रीम्स फ्लाई और पोर्ट्रेट जो कॉम्बिनेशन हुआ है, आगे ड्रीम्स फ्लाई को प्रेफर करेंगे, क्योंकि हमने एक चीज देखी है, ये थोड़ा पर्सनल हो जाता है कि एजेंट जो होते हैं थोड़ा पैसे की तरफ बनते हैं। यहाँ हमने मतलब आपके साथ ऐसा देखा नहीं, थोड़ा आप भी स्टूडेंट रह चुके हो तो मतलब परेशानी समझ रहे हो कि क्या क्या आती है, तो उन्हें पहले ही सॉर्ट आउट करने की कोशिश करनी चाहिए। तो मुझे पता है कि बच्चों को क्या प्रॉब्लम है, गुड लीड कर पा रहे हैं हमारी प्रॉब्लम्स। ओके, मतलब सारे फीलिंग्स को समझ पा रहे हैं। हां, बिल्कुल बिल्कुल, पहले ही मतलब प्रॉब्लम आने से पहले ही उसका सॉल्यूशन तैयार रहता है। ओके ओके ओके। अच्छा,
अच्छा ये बताइएगा कि आप लोग यहाँ पर 3 दिन से हैं, आपने सिटी सेंटर घूमा, आपने अपनी क्लासेस वगैरह कल से शुरू हो रही है, जो नए बच्चे आते हैं, क्योंकि इंडिया से अगर बच्चे आ रहे हैं तो उनके पेरेंट्स के दिमाग में क्या रहता है कि भाई मुस्लिम कंट्री, आप समझ सकते हो कि यहाँ बच्चे को भेजना या गर्ल्स को भेजना सेफ नहीं है, तो इस पर क्या कहना चाहते हो? मेरे हिसाब से तो वो पूरी सेफ्टी है, सेफ्टी है, कोई इशू नहीं है। हाँ, कोई इशू नहीं है, यहाँ के लोग बहुत फ्रेंडली है। हाँ, अपने आप मतलब हेल्प करने के लिए अपने आप आगे आते हैं। मतलब आप इस शॉर्ट ये कहना चाहते हो कि जो बच्चे इंडिया से टीएमए आ रहे हैं, ताशकंद आ रहे हैं, मतलब उनके पैरेंट्स के दिमाग में ऐसा कुछ है कि हिंदू मुस्लिम वाला सिस्टम है, सिस्टम नहीं, सारे इक्वलिटी है, मतलब एक रिलीजन है मुस्लिम, लेकिन कई टाइप के होते हैं, जैसे दुबई के अलग है, इंडियन के सेक्युलर थोड़े से उस चीज को लेके, तो यहाँ के अलग है उस केस में, मतलब एक रिलीजन टाइप है बस, और वैसे वो मतलब सारा कुछ को मिला के आप ये कह सकते हो कि एक ऐसा कंट्री है जो सबको वैल्यू दे रहा है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे यूक्रेन से आए हैं तो काफी रशियन भी जानते हैं लोग यहाँ पे, रशियन यूक्रेनियन चल जाती है उनका काफी काम चल रहा है। तो नए बच्चे जो आना चाहते हैं उनको आप क्या बोलोगे? फाइनली ये बताओ कि आप इंडिया में किसको कॉन्टेक्ट करो, किसके थ्रू आओ, जहाँ पर आप कल, क्योंकि देखो आपने एडमिशन यूक्रेन में भी लिया था, आप मुझे वहां से भी जानते हो, तो आप ये कह सकते हो कि हम जैसे बच्चों का एडमिशन कराते हैं तो फर्स्ट ईयर से लेकर डिग्री तक का हमारा वादा होता है, तो उस वादे में हम खड़े हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? बिल्कुल हो रहे हैं, नजर आ रहा है। तो आप नए बच्चों को क्या बोलना चाहोगे? मैं कहना चाहूंगा ड्रीम्स लाइक के जो 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 देख रहे हैं ना ड्रीम्स लाइक, वो स्टूडेंट ही रह चुके हैं। अमित भैया है, मैं उनसे मिल आया था जब प्लान नहीं होता ना संस्कार, तब मिलने गए जब जब आशीष भैया नहीं आए थे साथ में, तब उनसे मिलने गया था, तो मैंने उनका बिहेवियर देखा, मुझे काफी वो लग रहे थे कि ट्रस्टेड बंदे हैं, इसलिए फिर हमने ये सिलेक्ट किया कि रिम्स फ्लाई से जाता है। ओके, मतलब जो रिम्स फ्लाई आपको बोल रही है वो पूरा कर रही है, वो भी वो पूरा कर रही है, नो इश्यूज नहीं। और सेकंड थिंग कि जैसे हम यूक्रेन से गए, रशिया पास ही में था, हमें उसकी भी नॉलेज है कि, और किर्गिस्तान में हमारे दोस्त हैं, कजाकिस्तान में, उज्बेकिस्तान में अब हम खुद हैं, तो मतलब उस हिसाब से हम उज्बेकिस्तान को प्रेफर करेंगे। यूक्रेन में, किर्गिस्तान में, तजिकिस्तान में, कजाकिस्तान में और उज्बेकिस्तान में, ये करिकुलम सबका सेम है। इन उज्बेकिस्तान में छोड़कर जो बाकी कंट्रीज हैं, इनमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। एक चीज मुझे यहाँ पर बेटर लगी कि प्रैक्टिकल नॉलेज है, सिर्फ किताबी कीड़ा नहीं बन पाएंगे, बनना है, हमें प्रैक्टिकल नॉलेज भी चाहिए। हॉस्पिटल में जब पेशेंट आएगा, हम ट्रीट कैसे करेंगे जब वो प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होगी, क्योंकि बहुत जल्द नेक्स्ट आने वाला है, तो उसमें आपको प्रैक्टिकल की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ प्रैक्टिकल आपके अच्छे हो रहे हैं। अच्छा, आप यूक्रेन से कुछ टाइम पढ़ के आप यहाँ पर पढ़ने वाले, यहाँ का प्रैक्टिकल, यहाँ पर थ्योरेटिकल जो नॉलेज है, तो आपको क्या लगता है जो आप MCI दोगे, मेडिकल कॉलेज ऑफ इंडिया का एग्जाम दोगे या नेक्स्ट दोगे, तो क्या आप क्वालिफाई करने का गट सकते हो अपने अंदर? तो जैसे भी जो पेरेंट्स इंडिया में हैं वो सोचते हैं कि मेरे जो बच्चे हैं वो MCI बाहर पढ़ के क्लियर नहीं कर पाएंगे, पर ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है कि बच्चे पास कर जाते हैं फर्स्ट से सेकंड टर्म में, बहुत इजी होता है, बस आपको कंटिन्यू स्टडी करना होता है, अपने आप से लोअर करना पड़ता है। तो आप ठीक है, फिर आपसे मिलेंगे, बहुत बहुत थैंक यू, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग।